राम मंदिर जिसके लिए इतने हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी है और बलिदान हुए हैं, आज वह साकार हो रहा है, इसको देखने के लिए तो सबके मन में उल्लास होगा और एक पर्व सा, त्यौहार सा सभी के मन में हो रहा है कि ये शुभ घड़ी आए जिसका मैं चल करके अपने नेत्रों से दर्शन करूं। हम समझते हैं कि यहाँ का दिल तो मुसलमानों का टूट चुका है और राम मंदिर के बनने पे किसी मुसलमान के इतराज नहीं है, लेकिन जिस भावनाओं से तब्दीलियाँ की जा रही है, जिस तरह से एक तरफा सारी चीज़ें की जा रही हैं, वो कल्चर को बदल रही हैं। भगवान श्री राम की कुल देवी भगवती कालिका हैं। पहली बात तो हम लोग जो ढांचा तोड़े हैं, मस्जिद नहीं तोड़े हैं, हम लोग पुराने अपने मंदिर के ढांचा को ही हटाया है। हम लोग उसको मस्जिद मानते ही नहीं थे क्योंकि हमारे रामलला सरकार उसमें विराजमान थे, उनकी पूजा होती थी, क्योंकि उसमें कोई मस्जिद की चिन्ह थी ही नहीं। आप विकास करें तो सारे समाज का, सारे लोगों का ऐसा विकास करें जो फैजाबाद जब जो आए तो देखे कि हाँ यहाँ पे सारी चीज़ों का विकास हुआ है, क्योंकि केवल एक समुदाय का नहीं। आज के माहौल में मुझे वैसी लग रहा है कि जिस कौम को मिटाना हो उसकी ज़बान छीन लो और जो मुसलमानों के सारे जो राइट्स थे उसको पामाल किया जा रहा है। आप स्वतंत्र हैं अपने इबादत करने के लिए, आप स्वतंत्र हैं अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, अपने पूजा पाठ के लिए, लेकिन जो चीज़ हमारा है, जहां पूर्वजों ने जो गलती की है उसको हम सुधारेंगे अब, क्योंकि अब आने वाला समय उस गलती को लेकर हमारा आने वाला पीढ़ी नहीं जिएगा।